अस्सलाम वालेकुम। आज है ना थोड़ा सर्दी भी है और एक रोटी वगैरह नहीं लेके, तो बनने जा रहे हैं जीरा वाले यानी कि तड़के वाले नमकीन चावल। किस तरह बनेंगे और कौन कौन उसमें हिस्सा ले रहा है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं किचन के अंदर। ये देख रहे हैं जी, ये चटनी बन रही है। लाइट तो थोड़ी नहीं आ रही क्योंकि लड़का सामने है, ऐसे करके। ये घर में जो बीबियाँ बैठी हुई हैं शादीशुदा हैं, प्रदेश काटना इतना आसान काम नहीं है। हाँ जी, घर में एक घर को चलाने के लिए कितने फ़र्द होते हैं और यहाँ पर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ड्यूटी भी जाना है, खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोने हैं, चावल भी पकाने हैं। इसमें क्या कूट रहे हो अपना ब्लॉग? इसमें जी धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, ज़ीरा। धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और धनी और क्या था? ज़ीरा। ज़ीरा डाला हुआ है। और ये चटनी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है क्योंकि बिलाल अक्सर बनाता है ये चटनी। और एक और अनमैरिड बंदा है साथ खड़ा हुआ है, हल्का सा मुस्करा रहा है। आपको दिखाई देते हैं क्योंकि उसकी मुस्कुराहट जो है ना, आलू नहीं कर रहे हैं उसे इंशाल्लाह। इसकी जल्द सुनने वाले हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने कार में बैठ के जाना है या घोड़ी पे चढ़ के जाना है? मुझे पैदल भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा। ये देखें, ये बाप निकल रही है। ये एक्चुअली हमने चावल रखे हुए हैं, हल्का सा दिखा दो अभी कौन सा दम दिया है इसको। इसमें हमने लहसुन भी डाला। लहसुन देखें, ये स्पेशली मेरे लिए लगाया है ताकि मेरा दिल ठीक रहे और धड़कता रहे। चेक करें, माशाल्लाह। ये कौन से अबू कास के ये चावल हैं, सऊदी अरब में बड़े फेमिलर हैं ये काफ़ी लंबे लंबे बनते हैं। और आलू भी डाले हैं इसके अंदर। ये जो लहसुन की गुठली जरा खाना एक दफ़ा, ये जिन लोगों को हार्ट का मसला रहता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये मैंने इधर सऊदी अरब में ही देखा है कि जब चावल पकाते हैं तो ये भी अंदर रख देते हैं। और ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है ना, नरम सी बन जाती है और आप बड़े ऐसे मज़े से खा सकते हैं। इसकी वो जो तुर्शपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है अपना यासर। आलू कुछ बड़े नहीं हो गए यासर? हाँ लेकिन हो गए। चलें ठीक है, चावल तकरीबन थोड़ी देर के बाद रखने के बाद फिर इसको दम देंगे। ये दूसरी तरफ है ना, बिलाल ने पुदीना वगैरह जो इसको यानी कि कूटना वो किया है, लेकिन है कि पानी है, लेकिन वो तो दही डलेगा इसके अंदर, थोड़ा पानी भी चाहिए होगा जी। इस घर की एक खूबसूरती ये है कि इसका किचन जो है ना माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। इसका आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। और यहाँ पर हम तकरीबन 4-5 दोस्त रहते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारे वो दराज वगैरह बने हुए हैं और सब ने ये शेयर किए हुए हैं, अपनी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं। अभी 2 दिन से तो काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है क्योंकि पानी नहीं आ रहा, और जो पानी हमारे पास स्टोरेज हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। ये बेलना पड़ा हुआ है और नीचे डब्बे में आटा है। ये हमारे एक दोस्त हैं, वो ना सिर्फ रोटी ही खाते हैं शौक से, और उन्होंने रोटी बनाना सीखी हुई है और उन्होंने सारा सामान ला के रखा हुआ है। ये देखें, ये जो है ना सूरजमुखी के इसको बीज भी आप कहते हैं और सनफ्लावर सीड्स भी बोलते हैं, ये यहाँ पर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। स्पेशली लोग जो ड्राइविंग करते हैं ना वो रख लेते हैं, ये ले लें अगर पाओ तो आपका सफ़र तकरीबन 400-500 किलोमीटर कट जाता है, लेकिन ये फिर भी बचे होते हैं थोड़े से। हाँ बिल्कुल आते हैं, और अकेले बंदे के लिए तो बहुत अच्छे हैं, फिर ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही है या सर? ऐसे ही सर, गर्म बहुत होते हैं। कल मैंने इनकी तस्वीर गर्म होती है, फिर पानी भी साथ पीते रहना चाहिए, एसिडिटी वगैरह भी बन जाती है मेरे ख्याल में से थोड़ी। ये सर, ये मैंने कल लिए थे और मैंने जाना था खुरेस जाना था। यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर आई थिंक बनते हैं, अब आप कह लें यार तो मैंने कल पाव लिए थे। अच्छा, तो अभी भी मैं खा रहा हूँ, सफ़र भी गुजर गया, वापस भी आ गए। और फिर ये कि ये मतलब सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही सिंगल बंदे उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त, अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे ही माशाल्लाह। ये देखें रहता तकरीबन ऑलमोस्ट ही है ना हमारा,
पुदीने की चटनी कैसे या रायता गलें तैयार हो गया। माशाल्लाह ये देखें पानी तकरीबन चावलों का खुश्क हो गया है, अभी इसको लगाने लगे हैं दम, और लहसुन आपको दरमियान में पड़ा नज़र आएगा। जिन लोगों को हार्ट का मसला है ये लहसुन ज़रूर इस तरह पकवा लिया करें घर में और खाया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आराम देंगे। और ये कैसे पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एक तो आप चेकअप करवाते हो, दूसरा इस तरह पता चलता है कि आपके लेफ़्ट हैंड में जो है ना लेफ़्ट आर्म जो है बाजू जो है उसमें सुबह सुबह जब आप उठेंगे ना तो उसमें पेन मिलेगा आपको, यानी कि दर्द आएगा, उसका मतलब यही होता है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो इरेगुलर है यानी कि ज़्यादा हो चुका है। अगर आपके ऐसे होता है सुबह उठने से आपके लेफ़्ट बाजू में पेन रहता है तो समझ लें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ज़रूर चेकअप करवाएं कि कितना है रेंज में है नहीं है, तो फिर उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ लहसुन भी करें। ये देखें दम पे चावलों को लगा दिया है, नारोवाल में कौन कौन सी किस्म के चावल मशहूर हैं? नाम तो होते हैं ना यार कुछ उनके। ये देखें ये खीर भी मौजूद है यहाँ पर, स्पेशल खीर है और ये स्पेशल ही जगह से आई हुई है, जगह का नाम वीडियो में नहीं बता सकता। हमारे दोस्त हैं एक साइड के ऊपर होते हैं तो वहाँ पर ये खीर वगैरह इस तरह बनती है, तो उन्होंने स्पेशली भेजा था। तो अभी एक दोस्त हमारे उनको भूख लगी हुई, वो कहते हैं कि चावल तो पकेंगे वो तो खाएँगे लेकिन खीर पहले खानी है। खीर खीर होती है, चावल चावल होते हैं, ऐसे ही भाई। उन्होंने एक उठा भी लिया है, ये इसका जो बॉल है। ये देखें ये यहाँ पर हीटर है, हीटर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ऑन किया हुआ है दूसरा सनी किया, इतना ही काफ़ी होता है। और इसके ऊपर ही गावा बना के, यानी कि इसके अंदर लौंग है, इलायची है, गरम मसाले ज़ीरा वगैरह है, उनको पीस के इसके अंदर डाला हुआ है, और साथ ही कप है इसके ऊपर गर्म भी हो रहा है और आप साथ साथ पी रहे हैं। ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। हीटर से एक बात मुझे याद आ गई, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, कभी भी अपनी ऐनक जो है ना वो हीटर के पास नहीं रखनी। अगर आप ऐनक हीटर के पास रख देंगे ना तो आपकी ऐनक ख़राब हो सकती है, उसका फोकस आउट हो जाएगा। मेरे साथ ये पिछले साल हुआ था, और क्योंकि दुकानदार ये नहीं बताते, वो उनका बिज़नेस होता है, लेकिन आपने कभी भी सर्दियों में चूल्हा और हीटर के पास कभी भी अपनी ऐनक नहीं रखनी। ये ले जी माशाल्लाह चावल पक गए हैं, ज़रा ढकना हटाइए। क्या ज़बरदस्त है। नहीं नहीं बुला ली, तुम तो मंजे हुए बंदे हो फिर भी कहो नमक की तरफ से माजरत है। क्या खूबसूरत लुक आया, जबरदस्त यसर। ये टीम वर्क लग रहा है मुझे ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने भी अपनी फंक्शन ज़्यादा की, हाँ बाकी चीज़ें भी मुकम्मल हैं। तो ये सफरे के ऊपर डालना है आपने या मतलब? आप तो नहीं खाओगे ना। लहसुन से खून की वेन्स जो है ना वो नसें साफ हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि खून गाढ़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा एक्चुअली खून गाढ़ा नहीं होता, वो गंदा होता है। गंदा होता है वो, बस उसने खून को इज्जत देने के लिए कहा होता है कि ये खून ना गाढ़ा हो गया। ये देखें अच्छा, मैंने कहा था भाई डाल जाएंगे, चावल देख के कर दिया। ये जी माशाल्लाह चावल रेडी हो गए, अभी हम खाने लगे हैं। सबरे के ऊपर डाल दिए, प्लेट की ज़रूरत नहीं होती यार, सौजर में ये प्लास्टिक के ऊपर ही डाल के खाते हैं, इसको सफरा बोलते हैं। चलें जी शुरू हो जाए। किस चीज़ का? नहीं ये नया तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो घर से ही मैंने मंगवाया। चलें जी, ओके जी, अभी खाना खाने लगे। अब हमने चावल खा लिए हैं तो अभी बनने लगी है चाय। ये सबसे पहले डालेंगे इलायची। ये इलायची थोड़ी सी इसने ना दबा ली है और उसके बाद इसको इसके अंदर डाल दिया पानी के। कितने कप पानी रखा है? ये है दो कप। दो कप पानी, ढाई कप पानी और दो कप ढाई कप दूध चला गया। अब ये पत्ती जो है ना समझ लें कि खाने के जो चम्मच है दो डाल दिए, दो डाई है दूध डाल रखा हुआ है। माशाल्लाह लुक आना शुरू हो गया।
रहने देते यार, बुरा लगता है यार। बिलाल भाई यार, तुमसे भी उम्र में छोटे लोग हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बर्तन क्यों धो रहे हो? बिलाल भाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा इधर। ये लें जी, चाय रेडी हो गई है, और ये थोड़ी सी मिठाई है, अखरोट वोट का हलवा है इसके अंदर, ये फाइनल टच हो रहा है। ये जिस लड़के ने तैयार किया उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, वो एक बिजनेस भी करता है साथ, नेटवर्क लेता है लोगों को, ताकि लोगों के घरों में है ना बातचीत होती रहे, वो अपने रिश्ते डिस्ट्रीब्यूटर और मोबाइल ही नहीं, आप नेक काम कर रहे हो, लोगों के दिलों को मिलाते हो। इसी वजह से मैंने ये ना 3 मोबाइल रखे हुए हैं ताकि कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। माशाल्लाह, चलो।